Welcome to my channel Ragge and Father। आज मैं आप सबको जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ। कृपया आप ये वीडियो पूरा देखिए, लाइक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो आप देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। पावर एक ऐसा वर्ड है जिसे सदियों से गलत समझा जा रहा है। पावर कोई पोस्ट, कुर्सी या सिंहासन का होना नहीं है, बल्कि पावर की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। पावर यानी वो हथियार जिसकी मदद से आप किसी से अपना काम करवा सकते हो, चाहे आप किसी को इन्फ्लुएंस करके अपनी बात मनवाओ या किसी को डरा कर। दोनों ही सूरतों में आपने पावर का इस्तेमाल किया है। एक देश चलाने से लेकर घर चलाने तक हर ह्यूमन इंटरेक्शन में पावर का इस्तेमाल होता है। अगर आप हर जगह एक कंप्लीट विन विन सिचुएशन चाहते हो तो आपको पावर की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम 16 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर देखेंगे और इसमें हमारी मदद करेगी रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लेट योर एब्सेंस फील, अपनी कमी का एहसास करवाओ। सुरेश फैक्ट्री में मन लगाकर काम करता था क्योंकि उसके मेंटर ने कहा था कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, लेकिन उसका प्रमोशन तब भी नहीं हुआ, ना ही कोई स्पेशल हाइक मिला, जबकि फैक्ट्री के काम का सारा ट्रबल शूट वही करता था। यानी अगर वो ना हो तो बहुत परेशानी हो सकती थी। वो हार के अपने मेंटर के पास गया और मेंटर ने उससे कहा कि तुम ये तो जानते हो कि हार्ड वर्क का फल जरूर मिलता है, लेकिन ये नहीं समझते कि वो फल तभी मिलता है जब आपका हार्ड वर्क किसी को दिखे। जाओ कुछ दिन की छुट्टी ले लो, फिर देखो। उसने ऐसा ही किया। उसके एब्सेंस में सबको रियलाइज हुआ कि सुरेश कितना काम करता था। उसको कंपनी की तरफ से तुरंत प्रमोशन और हाइक दोनों मिला। चाहे आपका घर हो, सोसाइटी हो या आपका वर्क प्लेस, अगर आप लोगों को अपनी वैल्यू का एहसास करवाना चाहते हो तो अपनी एब्सेंस फील करवाओ। नंबर 2, स्टैंड अबव द क्राउड, भीड़ में अलग दिखो। आप भी लेट नाइट्स करते हो, टारगेट्स भी पूरे करते हो, तो क्या वजह है कि आपके कलीग को प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं? क्योंकि उसका काम बॉस को दिखा और आपका नहीं दिखा। पावर और सक्सेस पाने के लिए जितना जरूरी अच्छा काम करना है, उतना ही जरूरी अपने काम को एक्नॉलेज करवाना भी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप भीड़ से अलग दिखो। हिंदी में एक मशहूर कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यानी आप अकेले में कितनी भी मेहनत करते रहो, कोई फायदा नहीं है। अपने काम को एक्नॉलेज करवाने के 2 टिप्स मैं आपको देता हूं। पहला, अपने गेस्चर, काम करने के तरीके और बातों के अंदाज में ऐसे चेंजेस लाओ कि लोग आपको नोटिस करें। और दूसरा, कि आपने जो भी काम किया है, जब मौका मिले उसे डिस्कस करो, उसे गिनवाओ, ताकि सबको पता चले कि आपने क्या क्या किया है। अपने किए गए काम का प्रचार करने में कभी भी शर्माओ मत। नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस, अपने इरादे किसी के सामने जाहिर ना करो। अंग्रेज हमारे देश में बिजनेस करने आए थे और राज करने लगे। सोचिए, अगर उनके इंटेंशंस उस समय के लोगों को पहले से पता होते तो क्या हम सैकड़ों सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते? शायद नहीं। जब तक किसी को आपके इंटेंशंस नहीं पता, तब तक डीलिंग पावर आपके हाथ में होती है। अपनी डेली लाइफ में कई बार हम इस बात को रियलाइज नहीं करते और घाटा खा जाते हैं। जैसे आप कार खरीदने गए, आपको कार बहुत पसंद आई और आपने उसे लेने का मन बना लिया। अब 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली, आपने एक्साइटमेंट में सेल्समैन को यह शो कर दिया कि आप उसे खरीदने के लिए कितने डेस्परेट हो, आपको कितनी ज्यादा वो कार पसंद आई। ऐसे में सेल्समैन इसका एडवांटेज ले सकता है और हो सकता है कि वो प्राइस बढ़ा दे या आपको कोई अच्छा डिस्काउंट ना दे। दूसरी सिचुएशन यह है कि आपने सस्पेंस बरकरार रखा है, आपने ये रिवील नहीं किया कि आपको कार कितनी ज्यादा पसंद आई है। इस बार डीलिंग पावर आपके हाथ में रहेगी और डील क्रैक करने के लिए वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देगा। अगर आप डीलिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहते हो तो लोगों को अपने प्लान के बारे में बस उतना ही बताओ जितने में उनका इंटरेस्ट बना रहे। अपने रियल इंटेंशन को कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करो। जब सामने वाले को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो, तो वो अपने लिए डिफेंस प्रिपेयर कर ही नहीं पाएगा। लड़ाई हो या मार्केट हो या खेल, ओपोनेंट को सरप्राइज करके जीतना आसान हो जाता है और मजा भी आता है। नंबर 4, माइंड योर वर्ड्स, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ईयर 1825 में ज़ार निकोलस फर्स्ट रूस के नए रूलर बने। उनके गद्दी पर बैठते ही देश में विद्रोह भड़क गया और लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ हो गए। उस समय के प्रोमिनेंट लीडर और इंटरनेशनल अक्लाइम पोएट कोंद्रात्रेव रिलेव को सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जैसे ही उन्हें लटकाया गया, रस्सी टूट गई और कोंद्रात्रेव रिलेव जमीन पर गिर गए। उन दिनों ऐसे इंसिडेंट्स को ईश्वर की मर्जी समझकर अपराधी को माफ कर दिया जाता था। जैसे ही रस्सी टूटी, रिलेव भीड़ की तरफ भागे और उन्होंने कहा कि देखा हमारा देश कितना पिछड़ा है, रशियंस एक ढंग की रस्सी तक नहीं बना सकते। जब यह बात ज़ार निकोलस को पता चली तो उन्होंने उसके माफीनामे के आदेश को फाड़ दिया और अगले दिन ठीक उसी समय उसे दोबारा फांसी लगाई गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। तो देखा आपने कैसे बड़बोलापन किसी की जान तक ले सकता है।
उस टाइम अगर रिलीफ चुप रह जाता तो उसे माफ कर दिया जाता और वो बाहर निकलकर दोबारा अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता था। आमतौर पर हम सबके साथ ऐसा होता है। भावनाओं में बहकर कभी खुशी में तो कभी गम में हम कई ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे हमें आगे जाकर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलोगे आपके वर्ड्स की कीमत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। कई लोग बातों बातों में कुछ सीक्रेट रिवील कर देते हैं या ऐसे कमिटमेंट्स कर देते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते और बाद में पछताते हैं। इसलिए जब जरूरत हो तभी बोलो और सोच समझ कर बोलो ताकि आपकी एक एक बात में वजन हो, तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। नंबर 6, एक्शन से जीतो आर्ग्यूमेंट से नहीं। जूलियस सीजर 14 ने अपने इंजीनियर को बुलाया और कहा कि वो अपने नेवी में नई शिप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने इस शिप से जुड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उसे बताई। इंजीनियर को उनकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक लगी और वो उनसे आर्गुमेंट करने लगा। घंटों चले आर्गुमेंट के बाद राजा इतने गुस्से में आ गया कि इंजीनियर को 1 साल की कैद की सजा सुना दी। कितना अच्छा होता अगर वो सीधे काम पर लग जाता और अपने एक्शन के जरिए अपनी बात प्रेजेंट करता। आप चाहो तो किसी भी बात पर घंटों आर्गुमेंट कर सकते हो या फिर सीधे अपने एक्शन से अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट में जीत हासिल करके हो सकता है कि आपके दिल को तसल्ली मिल जाए, पर असल में आर्ग्यूमेंट जीतने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा इससे आपके रिश्ते और रेपुटेशन खराब होते हैं। तो फैसला आपका है, आर्ग्यूमेंट में पढ़कर सब कुछ खोना चाहते हो या इसे अवॉइड करके अपने एक्शन से अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हो। नंबर 6, दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर भरोसा रखो। इतिहास गवाह है कि हर बार पीठ में छुरा अपनों ने ही मारा है। वो इंसान जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं एक दिन वही हमारे डाउनफॉल का कारण बनता है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब बात किसी रिस्पांसिबिलिटी की आए तो दोस्तों से ज्यादा अनजान या आपके पुराने दुश्मन रह चुके लोगों को देने में समझदारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी पर भरोसा करते हो तो आप उसे अपने सीक्रेट्स बता देते हो और उसे आपकी वीकनेस पता चल जाती है। तो ये तो जग जाहिर है कि कंपटीशन, लालच और जलन दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच सबसे ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों के साथ डील करने से आपके धोखा खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं जब हम किसी अनजान या अपने पुराने दुश्मन को काम देते हैं तो हमारी नजर उसके हर कदम पर रहती है और उसे भी ये बात बखूबी पता होती है कि हमारा भरोसा पाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए वो काफी अच्छा काम करते हैं। कई लोग शायद इस बात से सहमत ना हो और कहें कि क्या इंसान किसी पर भरोसा ना करे, लेकिन जो सच है वो सच है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही है। वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नंबर 7, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। आपको क्या लगता है अगर बीच मीटिंग में आपने अपने बॉस के ब्लूप्रिंट पर एक जेन्युइन डाउट निकालकर अपनी काबिलियत साबित की तो आपका बॉस आपको अगली प्रमोशन के लिए रिकमेंड करेगा? जी नहीं, वो आपकी गलती ढूंढकर आपको रिप्लेस करने का मौका ढूंढेगा, क्योंकि आपने उसे यह एहसास दिला दिया कि शायद आप उससे ज्यादा काबिल हो और आप उसके लिए खतरा बन सकते हो या उसकी इंसल्ट कर सकते हो। इसलिए अपने मास्टर से आगे निकलने की कोशिश कभी ना करो। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लैडर के टॉप पर पहुंचना चाहते हो तो आपको उस लैडर की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर कोई आपसे सुपीरियर है तो उसे सुपीरियरिटी का मजा लेने दो, तभी आप फायदे में रहोगे। ये आज की बात नहीं है बल्कि सदियों से यही होता आया है। जो लोग पावर में है अगर आप उनसे आगे निकलना चाहते हो तो उन्हें आपका मास्टर बने रहने दो ताकि उन्हें लगता रहे कि वो आपसे बेहतर है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए आपके मास्टर को तलवार बने रहने दो और आप एक मीठी छुरी की तरह अपना काम निकलवाते रहो। नंबर 8, मदद चाहिए तो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करो, इमोशंस की नहीं। आप मानो या ना मानो दुनिया बहुत सेल्फिश है। आपने चाहे किसी का कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, लेकिन फिर जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो लोग ना कह देते हैं। तो जब भी आपको किसी की मदद की जरूरत हो तो ये ना सोचो कि इस पर तो मैंने इतने एहसान किए हैं या ये तो अपना है मना नहीं करेगा, बल्कि कोई ऐसा पॉइंट उसके सामने रखो जिसमें उसका और आपका दोनों का फायदा हो, तभी आप 100% श्योर हो सकते हो कि आपका काम पूरा होगा और सही होगा। अपनी वेबसाइट के लिए अगर आप अपने आईटी फ्रेंड से हेल्प मांगोगे तो वो तभी हेल्प करेगा जब वो फ्री होगा, लेकिन अगर आप किसी को पे करके वही काम करवाओगे तो आपका काम उसकी प्रायोरिटी होगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपने काम के बारे में सीरियस हो तो उसे करवाने के लिए म्यूचुअल इंटरेस्ट का सहारा लो, इमोशंस, काइंडनेस या ग्रेटिट्यूड का सहारा मत लो। नंबर 9, खुद पर भरोसा रखो। साइकोलॉजिकल पावर केवल दूसरों के साथ अपने रिलेशन को समझने से नहीं आती, बल्कि आपका खुद के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए। मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, बस छोटे छोटे फेलियर से डर कर अपना रास्ता बदलते रहते हैं। खुद के बारे में आपका क्लियर व्यू होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं उसमें मुश्किलें, फेलियर्स और सेटबैक आएंगे, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है। आपको बस हर छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना है ताकि आपका सेल्फ एस्टीम बढ़े। दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है जो खुद की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनलकी एंड द अनहैप्पी। इंग्लिश में एक बड़ी पुरानी कहावत है, यू कुड डाई फ्रॉम समवन एल्सेस मिज़री, यानी आप किसी और के दुख से मर सकते हो। हमारा इमोशनल सेटअप कुछ ऐसा ही है कि
कि हमारी जैसी संगत होती है हम वैसे ही हो जाते हैं। इमोशनल स्टेट किसी बीमारी की तरह इन्फेक्शियस होता है। आपको लगेगा कि आप बेचारे की मदद कर रहे हो, उसके दुख का साथी बन रहे हो, लेकिन असल में आप खुद के लिए मुसीबत पाल रहे हो। अगर आप किसी ऐसे का साथ चुनते हो जो दुखी है, तो उसे खुश करने के चक्कर में आप खुद कब खुश रहना भूल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेट लोग मिसफॉर्चून अपने साथ लेकर चलते हैं और वो अपने नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको भी अनलकी बना सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आसपास खुश, सेटिस्फाइड और पॉजिटिव लोगों को रखो। नंबर 11, आदमी देखकर व्यवहार करो। क्या आप अपने बॉस से बात मनवाने के लिए और अपने जूनियर से अपनी बात मनवाने के लिए एक जैसी स्ट्रेटेजी अपनाते हो? क्या आपको लगता है कि घर में आपकी चलती है तो ऑफिस में भी आपकी चलेगी? ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ प्यार से मानते हैं, कुछ डर से, कुछ लालच से। कुल मिलाकर रॉबर्ट ग्रीन ये कहना चाहते हैं कि आपको आदमी देखकर व्यवहार करना आना चाहिए। अपने रिश्तों को, पावर को और पोजीशन को बचाने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों को समझना आना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन खासतौर पर ये बात कहते हैं कि जो लोग फीलिंग्स हर्ट होने पर बदला लेने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए और अननेसेसरी पंगे नहीं लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा करने से आप बिना बात के दुश्मन पाल लोगे, क्योंकि पता नहीं आपकी कौन सी बात कब उसे बुरी लग जाए और ना जाने किस पॉइंट पर आपको वो नुकसान पहुंचा दे। नंबर 12, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। आप कितने स्मार्ट हो? क्या आप इतने स्मार्ट हो कि आप जानबूझकर बेवकूफ बन सको? वो कहते हैं ना कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो अगर आपका सामना किसी बेवकूफ से पड़ा है लेकिन उसके पास आपका काम निकलवाने की पावर है, तो उसे अपनी स्मार्टनेस दिखाने के बजाय ये समझ न दो कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है और देखो आपका काम कैसे स्मूथली हो जाता है। इसी तरह अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के सामने इनकॉम्पिटेंट एक्ट करोगे तो वो आपको हल्के में लेने लगेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जैसे ही आपने अपने सामने वाले को ये यकीन दिला दिया कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वैसे ही आपकी जीत पक्की है। नंबर 13, कैलकुलेटेड वैल्यू। वैसे तो आपको खर्चे सोच समझ कर करने चाहिए, लेकिन कुछ चीजें इतनी अनमोल होती हैं कि आप अपनी सारी दौलत भी उस पर लुटा दो तो कम है। ऐसी एक चीज है नाम और रेपुटेशन। इतना बड़ा शेयर मार्केट, बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी, सब रेपुटेशन का खेल है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आपकी मेहनत और कामयाबी अननोटिस्ड चले जाएगी और कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, आप पर भरोसा नहीं करेगा। वहीं अगर आपकी रेपुटेशन है तो लोग खुद ब खुद आपको फॉलो करेंगे। किसी लोकल शॉप की 500 की टी शर्ट भी आपको महंगी लगती है और आप डिस्काउंट ढूंढते हो, वहीं लेविस की टी शर्ट के लिए आप 2000 भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाओगे क्योंकि उस ब्रांड का मार्केट में नाम है। तो पहले अपना नाम बनाओ, पैसे तो खुद ब खुद बन जाएंगे। नंबर 14, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। कहते हैं कि आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप खुद के लिए चाहते हो। रॉबर्ट ग्रीन से एक कदम और आगे लेकर गए। वो कहते हैं कि आप खुद को ऐसा ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपको करें। अगर आप रूम में कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करोगे तो लोग आपकी गलत बात को भी सही मान लेंगे। वहीं अगर आप सही होते हुए भी नर्वस रहोगे तो लोग आपकी बात सुनने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए इस तरह से काम करो जैसे आप कोई किंग या क्वीन हो। आपके हर एक्शन में रॉयल्टी झलकनी चाहिए। ऐसे में जो भी आपसे मिलेगा आपसे उसी अदब के साथ पेश आएगा। आमतौर पर हम सिंपल और डाउन टू अर्थ रहने की बात करते हैं, लेकिन कई बार इस चक्कर में हम इतना झुक जाते हैं कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ये वीडियो इसलिए अपने आप को सिंपल नहीं बल्कि रॉयल बनाओ। नंबर 15, अवॉइड स्टेपिंग इन ग्रेट मैन शूज। आपका बॉस आपका मेंटर था, ऑफिस में सब उसे मानते थे, उसने कई मुश्किल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल किए थे। आज फाइनली वो रिटायर हो गया और आपको वो कुर्सी मिल गई जहां आप बरसों से बैठना चाहते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लिए सबसे मुश्किल क्या होगा? आपको हर बात में अपने बॉस से कंपेयर किया जाएगा। खुद को सक्सेसफुल दिखाने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, वरना आपको कोई याद नहीं रखेगा। वहीं अगर आप किसी ऐसे इंसान के बाद कुर्सी पर बैठते हो जिसने बहुत से फेलियर का सामना किया, तो आपकी थोड़ी सी भी अचीवमेंट बहुत ज्यादा शाइन करती है। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को सभी जानते हैं, लेकिन उनके बच्चों को कौन जानता है? हो सकता है कि वो सब भी एक महान राजा रहे हों, लेकिन उनके पिता एक लेजेंड है जिनकी कहानियों के पीछे उनके बच्चों की सक्सेस छुप गई। इसलिए अगर आप कम मेहनत में ज्यादा शाइन करना चाहते हो तो हमेशा ऐसे ऑप्शंस चूज करो जहां कंपटीशन कम हो, ताकि आप किसी ग्रेट मैन के शूज में पैर रखने से बच जाओ। नंबर 16, गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो, इसका इस्तेमाल करो। किसी को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका पता है आपको? उसे गुस्सा दिलाना। गुस्से में अक्सर इंसान अपने सोचने समझने की ताकत खो देता है, उसके एक्शंस इंपल्सिव हो जाते हैं। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो आपको लाइफ में इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर किसी ने भी ये अंदाजा लगा लिया, उसे ये पता चल गया कि आपको किन बातों पर गुस्सा आता है, तो बड़ी आसानी से वो आपकी नब्ज पकड़ लेंगे और आपको गुस्सा दिलाकर आपका ध्यान भटका देंगे, आपको कमजोर कर देंगे। इसलिए गुस्से जैसे स्ट्रांग इमोशन को अपने सक्सेस के रास्ते में मत आने दो। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो तो भी गुस्सा जाहिर करने की जगह शांति से काम लो और समय आने पर उसे अपने तरीके से जवाब दो।
तो दोस्तों ये तो साइकोलॉजिकल पावर पाने के 16 ऐसे लॉज जिनसे हर सिचुएशन में जीत आपकी होगी। इनमें से कई शायद आपको थोड़े अजीब और ब्रूटल लगे, लेकिन सच यही है। चाहे आप एक अच्छा बदलाव लाना चाहते हो या बुरा, उसके लिए जरूरी है कि पावर आपके हाथ में हो। आप दुनिया की मदद तभी कर सकते हो जब आप खुद की मदद करने के काबिल हो। इसलिए पहले पावर को अपने हाथ में लो, फिर दूसरों का भला करने की सोचो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की, तो इसे प्लीज लाइक जरूर करना।